नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज स्पोर्ट्स। अब देखिए, पीटी उषा जो है, जो कि भाजपा की राज्यसभा सांसद है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, अब वो पीटी उषा देखिए आज धरने प्रदर्शन पर पहुंची थी, हमारे पहलवानों से वो मिली थी और मिलने के बाद देखिए अपने जो गिले शिकवे थे पहलवानों से वो दूर किए थे। आप सभी को बताइए कि पीटी उषा पर, जो कि इस वक्त भाजपा की राज्यसभा सांसद है, उस पर देखिए काफी गंभीर आरोप जो थे वो पहलवानों ने लगाए थे। अब क्या आरोप लगाए थे? आरोप ये लगाए थे कि पीटी उषा जो है वो भाजपा का साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि वो भाजपा की सांसद है, यानी कि राज्यसभा सांसद जो है वो भाजपा की तरफ से बनाई गई है और इसलिए देखिए पहलवान जो है वो पीटी उषा को बायस्ड बता रहे थे। वो कह रहे थे देखिए कि पीटी उषा एक तरफा मामला कर रही है, क्योंकि पीटी उषा ने भी देखिए पहलवानों के प्रति ये बोल दिया था कि वो इनडिसिप्लिन्ड है, वो उनमें अनुशासनहीनता है और इसलिए देखिए वो भारत का जो एक खेल है, जो पहलवानी है, जो रेसलिंग है, उसको खराब कर रहे हैं, भारत की जो छवि है वो खराब हो रही है। पीटी उषा ने ये बयान दे दिया था। उसके बाद देखिए काफी ट्रोल हुई थी पीटी उषा, काफी सारे जो पहलवान है वो पीटी उषा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। धरना प्रदर्शन पर देखिए काफी हंगामा हो गया था जब पीटी उषा ने ये बोला था। उसके बाद देखिए कि काफी सारे वाद विवाद हुए और आज देखिए पीटी उषा उनसे मिलने पहुंची। मिलने के बाद देखिए अपने गिले शिकवे दूर करे और पहलवानों को ये आश्वासन दिया कि हम कोई ना कोई देखिए कड़ा स्टेप लेंगे और लेने के बाद देखिए उनका जरूर बताया जाएगा कि देखिए स्टेप ले लिया है और शायद ऐसा हो सकता है कि बृजभूषण गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज स्पोर्ट्स।